आवर चैनल। गाइस आज मैं एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी लेके आई हूँ। हाँ, जो आपकी हरी मूंग की दाल होती है उसकी यहाँ पे सब्जी बोलो आप या तो दाल बोलो वो बनाने वाली हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा ये ऑयली लग रहा होगा क्योंकि मैंने इसमें ऊपर से तड़का दिया है। रेसिपी चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये प्रोटीन से भरपूर कैसे बनता है। सबसे पहले यहाँ मैंने ओवरनाइट सूप किया हुआ था ये मूंग की दाल को। आप चाहो तो अगर दिन में बना रहे हो तो फिर 4-5 से 6 घंटे तक सूप कर लो, ये अच्छे तरीके से फूल जाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हो कितने अच्छे दिख रहा है। यहाँ मैंने जितना दाल लिया है उसका 3 गुना पानी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, आप जितना भी दाल लेने हो अपने उसके अकॉर्डिंग उसका पानी ऐड करना है। यहाँ पे आप अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दो। यहाँ पे मैंने हल्दी, जैसे आप नॉर्मली दाल बनाते हो ना, नमक हल्दी हम इसमें उसी के नॉर्मली डालेंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने पानी बताया 3 गुना पानी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। पानी आप उसके बाद अपना जैसे दाल को फ्राई करते टाइम उसको बढ़ा या घटा भी सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे मैंने एक दालचीनी डाली है और एक तेज पत्ता, और उसके साथ साथ एक, अगर आपके पास बड़ी इलायची हो तो आप एक बड़ी इलायची डाल सकते हैं, या मैंने 2 छोटी इलायची और 2 लौंग लिया है। अब इसको डालने के बाद हम एक तेज आंच पे सीटी करेंगे, उसके बाद 3-4 सीटी धीमी आंच पे। इसके साथ साथ हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं, यानी जो फ्राई करना है। इसके बाद यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं तेल। उसमें मैंने डाला है जीरा, जीरे को थोड़ा ब्राउन होने दिया है। उसके बाद मैंने डाला है हींग, हींग तो भाई दाल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने इसमें डाला है हरी मिर्च, गार्लिक यानी लहसुन, अदरक पसंद करते हो आप तो अदरक भी डाल सकते हैं, और इसको हल्का सा ब्राउन होने देंगे। अगर आप चाहो तो ये अदरक लहसुन को स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 प्याज लिया है, 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं या छोटे ही मान लो आप, उसको लेंगे और उसको हम थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं। प्याज को धीमे धीमे हम इसको चलाते भी रहेंगे। प्याज जब ब्राउन हो जाए, हल्का ही ब्राउन करना है हमें, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जैसे आप कोई भी दाल या सब्जी बनाते हो उसी तरीके से, यहाँ हल्का ब्राउन हो गया था तो यहाँ मैंने टमाटर ऐड कर दिया है। ठीक है, आप टमाटर, यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज का टमाटर दिया है। यहाँ टमाटर को ऐड करने के बाद हमें इस टमाटर को हल्का सॉफ्ट होने देना है। ठीक है, हल्का सॉफ्ट होने के साथ टमाटर पड़ा है तो इसमें हल्का सा नमक डालना तो बनता है, थोड़ा सा नमक डाला। ध्यान रहे कि हमने नमक पहले भी ऐड किया हुआ है। नमक के बाद थोड़ा हल्दी भी कम ही डालेंगे क्योंकि हमने उन्हें दाल में भी हल्दी डाला है। उसके बाद धनिया पाउडर ऐड करेंगे, उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाँ जो आपका सिर्फ और सिर्फ कलर के लिए, क्योंकि हम लोगों ने मिर्च तो डाला ही है ऑलरेडी इसमें। ये देखिए क्योंकि आपकी आपका तो ये मैंने हल्का सा ढक दिया था तो ये मेरा ये जो टमाटर है अच्छे तरीके से पक गया है। यहाँ मसाले भी अच्छे तरीके से पक चुके हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी आ रही है। मीनवाइल हम देखेंगे हमारा दाल बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया है। अगर आप 1-2 सीटी कम उतारोगे तो और एक खड़े खड़े दाल आएगा, पर मुझे ऐसे ही पसंद है इसलिए मैंने इसको थोड़ा और गला दिया। इसमें जो खड़े मसाले हैं वो मैंने निकाल लिया है क्योंकि अब इसके सारा जो भी यूज़ था वो हो चुका है। आप चाहो तो इसमें इलायची लौंग वो भी निकाल सकते हो, क्योंकि मुंह में आता है तो उससे बेटर है कि इसको निकाल दिया जाए। अब इस हमारे जो पेस्ट हो चुका है उसको हम इसमें ऐड करेंगे, दाल को हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए मैंने सारा दाल ऐड कर दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपका दाल, अगर आपको लग रहा हो कि ये थिक है या तो थिन है तो फिर आपको इसको थोड़ा सा और देर तक भूनना होगा, मतलब बॉयल करना होगा। पर मुझे ये हल्का सा लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ही ये थिक बन गया है, तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी, उसी कुकर से ऐड करूँगी जिसमें मैंने इसको बॉयल किया था। ठीक है गाइस, लास्ट में मैंने इसमें घी और जीरे का तड़का लिया है, इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है। आप अगर चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो।